हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीनस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। जैसे मैं आपको पहले भी कहती आ रही हूँ और अब दोबारा से कह रही हूँ यही बात, प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोगों की जो भी क्वारीज हैं मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी जो मेरी वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे, और जो मैं आप लोगों को जो भी नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रही हूँ इस बारे में ब्यूटिशियन से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर आप लोगों तक नॉलेज पहुँचा सकूँ। तो गाइज मेरे साथ जो है बने रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका और हमारा साथ बना रहे उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे साथ यूँ ही बने रहना होगा। तो गाइस चलिए चलते हैं हम आगे पार्ट 8 फेशियल पर। अभी तक मैं पार्ट 7 बता चुकी हूँ आप लोगों को, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पहले के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो आराम से देख सकते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं हम पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में क्या बताना जा रहे हैं हम अब आपके कि पार्ट 8 में क्या है, हाइटरोपिस ऑफ द स्किन। अब हाइटरोट्रोफिस ऑफ द स्किन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्किन के अंदर जो है हाइपर मतलब क्या होता है, देखिए हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रोफिस मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब जो प्रॉब्लम हो रही है हाइटरोट्रोफिस ऑफ द स्किन इज अ स्किन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, ठीक है। जहाँ भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी स्किन की, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर उठ गई एक और स्किन, तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल स्किन जो है वो वहाँ पर आ गई है, तो उसी का कहा जाता है हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इज कैरेटोमा। कैरेटोमा क्या होता है, एन एक्वायर सुपरफिशियल थिकेंड पैचेस ऑफ एपिडर्मिस कॉमनली नोन एज कैलस कॉज बाय प्रेशर ऑफ फ्रिक्शन ऑन द हैंड्स एंड फीट। अब आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कैरेटोमा है, टोमा, वो आप लोगों की स्किन पे कैसा हो रहा है, देख रहे हैं ब्लैक कलर की पैचेस हो गई हैं, काफ़ी सारी स्किन वहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो गई है इसके अंदर, और साथ साथ में क्या है इसके अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसके अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस दिख रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी वजह से, मैं कहूँ कि आप लोग जो है स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते या कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन पे, नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी एज टू एज पे मैटर करता है, आपकी स्किन में जो भी अंदर प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से स्किन ऊपर आ जाती है, पर समटाइम्स क्या होता है जिसे ये क्योर भी हो जाते हैं और रिमूव भी हो जाते हैं बाय प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज मोल। देखिए मोल तो सभी को पता है, अधिकतर जो भी बड़े एजेड्स होते हैं उनके मोल हम लोगों को दिख जाते हैं। तो मोल क्या होता है, अ स्मॉल ब्राउन स्पॉट और ब्लेमिश ऑन द स्किन रेंजिंग इन कलर फ्रॉम पेल टेन टू ब्राउन और ब्लूइश ब्लैक। आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं मोल कईयों के कई बार गर्दन पे होते हैं, फेस पे हो जाते हैं मोल, और ये रिमूव भी हो जाते हैं बाय कुछ बर्निंग ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो उसको बर्न कर देते हैं। तो हर चीज़ का इलाज है, पर इन सब चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये कि स्किन का एक एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर की तरफ वो उठ जाता है। नेक्स्ट इज स्किन टैग। स्किन टैग क्या होता है, स्मॉल ब्राउन और फ्लैश कलर्ड आउट ग्रोथ ऑफ द स्किन, स्किन टैग अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन द नेक ऑफ एन ओल्डर पर्सन। अब आप देख पा रही हैं कि जो स्किन टैग है वो कैसा दिख रहा है, देखिए आप विजिबल आराम से देख पा रही होंगे स्किन टैग की, जो मैंने आप लोगों को पिक्चर प्रोवाइड की हुई है इसके अंदर, कि यहाँ पे स्किन जो है वो अजीब से उठ गई है, अधिकतर नेक पर होती है। तो डिफरेंस क्या है, देखो मोल और स्किन टैग में क्या डिफरेंस है, जो मोल होता है ना वो ब्राउनिश कलर का होता है, और जो मोल होगा ना वो बिल्कुल स्किन से चिपका हुआ होता है, ठीक है, वो लटकेगा नहीं, पर जो स्किन टैग होता है ना वो लटका हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि वो कई बार आप ये कहो कि इरिटेशन कर देता है, जैसे क्लोथ पहने हुए, जैसे अब ये मैंने ही पहना हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर इन केस किसी के है तो वो यहाँ पे इरिटेशन करता है कपड़े पहनने में, कई बार लगता है कि चुभ रहा है हमें कपड़े कुछ है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है, वैसे कोई इशू नहीं करती, ना ये पिंग करती हैं और ना ही इनसे कोई और अदर प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक स्किन जो है वो हमारी एक्स्ट्रा उभर जाती है।
तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।